बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द पिशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 साइंस ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 6। ओके, ज़रा पहले एक दफ़ा प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने वेकेशन से पहले ही चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था, और चैप्टर नंबर 2 का नेम है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रीडिंग की थी एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने री एक्सप्लेनेशन की थी ऑफ बुक पेज 17, 18 एंड 19। बुक पेज 17, 18 एंड 19 पे टॉपिक है हमारा आई, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर साइट टू सी समथिंग के लिए। तो उस पर हम लोगों ने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई का पढ़ा था कि आई किस तरह से बना है, कितनी लेयर्स हैं आई के अंदर, आई का काम क्या है, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल में जो है वो पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लिंक पे जाएं, दोबारा वो वीडियो देखें इस वीडियो से पहले, ताकि आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वंस स्ट्रक्चर इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज टुडेज टास्क, देख लेते हैं हम लोग टुडेज टास्क में। हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 को ही, ठीक है, इसका नेम है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे आई साइट प्रॉब्लम्स की। देखें, आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सी समथिंग, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी करीब की नज़र कमज़ोर होती है, कुछ की दूर की नज़र कमज़ोर होती है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज के रेटिना के ऊपर जो है वो लाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो हम ये सारी आई साइट प्रॉब्लम्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि दूर की नज़र जिनकी करीब हो तो उनकी आई में क्या प्रॉब्लम होती है, जो नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है उनकी आई में क्या प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ साथ हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करते हुए करेंगे रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 19 एंड 20। ठीक है, 19 का जो स्ट्रक्चर ऑफ आई की डायग्राम के बाद वाला पैराग्राफ है वो करेंगे, और पेज 20 पे जो है वो आई साइट प्रॉब्लम्स और उसके साथ थोड़े से और टॉपिक हैं तो हम करेंगे, और उसके साथ साथ वी विल डू द रिटन वर्क। तो मीन्स आज हम लोग जो है वो 3 वर्क्स करने जा रहे हैं, एक एक्सप्लेनेशन, दूसरी रीडिंग, उसके साथ हम लोग रिटन वर्क करेंगे। तो यू मस्ट हैव अ रफ कॉपी, अ बुक एंड योर नीट कॉपी एज वेल एज और आपकी स्टेशनरी, जिसमें पेंसिल, स्केल, इरेजर, शॉर्पनर सब कुछ आपका कंप्लीट हो, पेन, मार्कर सब कुछ आपके पास पड़ा हो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। ठीक है, मोबाइल को साइड पे रख ले, पिलो के साथ थोड़ा सा उसको सहारा दे दे, ताकि आपको आगे एक्सप्लेनेशन सुनने में और रिटन वर्क में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स बिगिन। आई होप आप लोगों के पास ही होंगी कॉपी एंड बुक वगैरह। ठीक है, हमारी आई साइट में 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉन्ग साइटेड या शॉर्ट साइटेड। ठीक है, 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द लॉन्ग साइटेड एंड द शॉर्ट साइटेड। तो 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ अ लॉन्ग साइटेड एंड शॉर्ट साइटेड। ठीक है, अब ज़रा हम लोग इनको 1 by 1 जो है वो स्टडी करते हैं, 1 by 1 स्टडी करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो है वो लॉन्ग साइटेड क्या प्रॉब्लम है और शॉर्ट साइट क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मैं आपको ज़रा दोबारा जो है वो बता दूँ कि कैसे इमेज बनता है, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेती हूँ, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को ज़रा क्लियर हो जाएगा। देखें, एक नॉर्मल इंसान में क्या होता है कि जब वो लाइट डिटेक्ट करता है तो लाइट रेज पहले आती हैं, ठीक है, एंड वो लेंस से बेंट होकर रेटिना, बिल्कुल रेटिना के इधर करीब ही, देखिए बिल्कुल यहाँ पर ही अगर उसका इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो मीन्स उसकी दूर की नज़र भी ठीक है और उसकी करीब की नज़र भी ठीक है, वो एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन जिसमें क्या हो कि लाइट रे लेंस से गुजर कर रेटिना से बिल्कुल दूर चली जाए, ठीक है, उसकी वो जो लाइट रे है वो दूर तक चली जाए, उसको कहते हैं लॉन्ग साइट प्रॉब्लम। ठीक है, लॉन्ग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि लाइट रे रेटिना के से आगे चली जाती है, लेकिन इस इंसान की नज़दीक की जो नज़र है वो कमज़ोर होती है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग साइट। आप लोगों ने लॉन्ग साइट पे कंफ्यूज नहीं होना कि मींस इस बंदे की दूर की नज़र कमज़ोर है, नो, उसको दूर की चीज़ जो है वो सही दिखाई देती है, लेकिन उसको करीब की चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती, वो लॉन्ग साइट प्रॉब्लम है। वो क्यों? क्योंकि उसको लाइट की जो रेज़ हैं वो बहुत दूर तक चली जाती है, लाइट रे जो है वो
एलोंगेट हो जाती है, उसको दूर की नज़र जो है वो प्रॉपरली दिखाई देती है, बट उनको नज़दीक की जो नज़र है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय द आई बॉल इज़ बींग टू शॉर्ट सो दैट द इमेजेस आर इन फोकस बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिल्कुल बिहाइंड पीछे चला जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉज, ठीक है। ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में जो है वो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसको हम क्योर कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ग्लासेस यूज़ करते हैं और ग्लासेस के अंदर हम लोग एक स्पेशल लेंस लगाते हैं जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये कन्वेक्स लेंस चीज़ को छोटा करके मर्ज करके जो है वो करता है, तो वो क्या करते हैं जब वो तो वो क्या करता है कि वो इस लाइट रे को छोटा करके रेटिना पे फोकस कर देता है और यहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जिनका लॉन्ग साइट का प्रॉब्लम है, कन्वेक्स लेंस वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस लाइट रे को छोटा करके रेटिना पर फोकस कर देता है और यहाँ पर फिर इमेज उनका बनता है, ठीक है। मैं दोबारा बता दूँ आपको कि जो लॉन्ग साइड है वो क्या है। लॉन्ग साइड मीन्स करीब की नज़र कमज़ोर है, दूर की ठीक है, लेकिन लॉन्ग साइड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाइट रे जो है वो दूर तक चली जाती है, रेटिना के बिहाइंड जो है वो चली जाती है। सो इनकी नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर होती है एंड दूर की नज़र इनकी ठीक नहीं होती, ठीक है। दिस इज इट इज़ कॉज बाय द आई बॉल इज़ बींग टू शॉर्ट सो दैट द इमेजेस आर इन फोकस बिहाइंड द रेटिना। लॉन्ग साइटेड पीपल कैन बी हेल्प विद द कन्वेक्स लेंस इज प्रेस इन फ्रंट ऑफ ईच आई, ठीक है। हम लोग ईच आई के फ्रंट पे कन्वेक्स लेंस रख लेते हैं, ठीक है। दीज लेंसेज हेल्प टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना, वो क्या करते हैं वो लाइट रे को फोकस कर देता है, ठीक है। ओके नाउ क्लियर यू ऑल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि शॉर्ट साइट का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब शॉर्ट साइडेड जो लोग हैं इनकी इनकी नज़दीक की नज़र जो है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इनकी दूर की नज़र जो है वो ठीक नहीं होगी, उनमें उसमें प्रॉब्लम होगा। अब वो इसको शॉर्ट साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट की जो रे है वो रेटिना से बिल्कुल आगे रह जाती है, ठीक है, और इमेज यहाँ पर बनता है, ठीक है, यहाँ पर इस कॉर्नर पे। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द शॉर्ट साइडेड, ठीक है, कि लाइट की रे जो है वो छोटी जाती है, नज़दीक इनकी ठीक है लेकिन इनकी दूर की आई साइड में प्रॉब्लम है। शॉर्ट साइट अकर्स व्हेन द आई बॉल इज़ बीइंग टू लॉन्ग एंड द इमेजेस आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। रेटिना के फ्रंट पे जो लॉन्ग साइट है उसको दूर क्यों कहा था, क्योंकि उसमें जो लाइट रे है वो रेटिना के बिहाइंड चली जाती है, लेकिन जो शॉर्ट साइट है उसमें फ्रंट पे जो है वो इमेज बनता है। तो इन लोगों की नज़दीक की नज़र तो ठीक होती है लेकिन इनकी दूर की नज़र जो है वो ख़राब होती है, ठीक है। सो हाउ क्योरिंग ऑफ शॉर्ट साइट, हम कैसे इसको क्योर कर सकते हैं। वी कैन क्योर द शॉर्ट साइटेड पीपल कैन बी हेल्प इफ़ दे वेयर स्पेक्टेकल्स, और स्पेक्टेकल्स कहते हैं हम ग्लासेस को, या कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट आर कनकेव, इनके लिए कनकेव मिरर जो है वो यूज़ करेगा। कनकेव जो लेंस है वो क्या करता है, वो लाइट को फोकस करवाएगा रेटिना पर, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग तरह के लेंसेज जो है वो यूज़ हुए हैं, फॉर शॉर्ट साइट लॉन्ग साइड कन्वेक्स लेंस एंड फॉर लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड सॉरी कनकेव लेंस, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग तरह के जो है वो लेंजेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मैं ये दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, हमारी आईज़ में दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आई साइड प्रॉब्लम्स मतलब देखने से रिलेटेड, लॉन्ग साइडेड शॉर्ट साइडेड, ठीक है। लॉन्ग साइड में क्या होता है कि लाइट की जो रे है वो फोकस करती है बिहाइंड द रेटिना पर, ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, वी यूज़ द कन्वेक्स लेंस फॉर दैट पर्पस। क्लियर टू यू ऑल। और उसके बाद कन्वेक्स लेंस शॉर्ट साइड में क्या होता है कि इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पे फोकस करता है, एंड उसमें इमेज को ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर टू यू ऑल। ओके अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं जिनको ग्लासेस यूज़ करना जो है वो दे फील वेरी डिफ़िकल्टी, उनको लगता है कि उनकी नोज़ पे से दर्द आता है, ईयर्स पेन करते हैं, जो लोग आदि नहीं होते ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो कॉन्टैक्ट लेंजेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज़ द कॉन्टैक्ट लेंजेस फॉर दैट पर्पज़। सो कॉन्टैक्ट लेंजेस आर स्मॉल थिन
ट्रांसपेरेंट डिस्क दैट फिट स्नगली ओवर द कॉर्निया ऑफ आई. बिल्कुल एक आप लोग की मम्मा या जो सिस्टर हुए हैं वो समटाइम्स फैशन के लिए भी यूज़ करती है कलर जो कॉन्टैक्ट कलर जो लेंसेज होते हैं, लेकिन वो कॉन्टैक्ट देखने के लिए वो यूज़ नहीं होते. कुछ लोगों की जिनकी आई साइट का मसला होता है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं. मीन्स कि वो ग्लासेस के पहने बगैर लेंसेज को कॉर्निया के ऊपर लगा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो आई साइट का प्रॉब्लम है वो हल हो जाता है. ठीक है, सो इससे ये भी फ़ायदा है उनको कि ये लाइट वेटेड होते हैं, फील भी नहीं होता कि आई में कुछ पहना हुआ है, और जो है वो आई साइट का जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाता है. लेकिन वो फिर रात को उतार कर ये सोते हैं. ठीक है, सो कॉन्टैक्ट लेंसेज आर स्मॉल थिन ट्रांसपेरेंट डिस्क. ठीक है, बिल्कुल डिस्क शेप का होता है दैट फिट्स स्नगली ओवर द कॉर्निया ऑफ आई. बिल्कुल कॉर्निया के ऊपर, ये देखिए इस साइड पे, इस कॉर्निया के ऊपर जो है वो हम लोग ये लगा देते हैं जिनकी आई साइड का प्रॉब्लम है. अब जिनका लॉन्ग साइड का होगा तो वो कन्वेक्स यूज़ करेंगे, और जिनका शॉर्ट साइड का मसला होगा वो कनकेव यूज़ करेंगे. ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग होते हैं जिनको ग्लासेस, क्योंकि देखें ग्लासेस पहनना इज़ अ गुड चॉइस. ठीक है, आप ग्लासेस पहनते हो ना तो ये ठीक है, इससे आप लोगों की आई जो है वो इतनी ज़्यादा नुकसान में भी नहीं रहेगी. लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हो ना तो इससे समटाइम्स लोग डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि इससे जो है वो परमानेंटली अगर आप यही यूज़ करते हैं तो इससे आपकी आईज़ जो है वो डैमेज हो सकती हैं. तो कुछ लोग ये करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज या स्पेक्टेकल्स जो वो नहीं पहन सकते तो वो आईज़ की सर्जरी की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है कि लेज़र की जो लाइट है वो आपके जो आई है ठीक है उसके ऊपर डाला जाता है. ठीक है, लेज़र प्रोड्यूस अ नैरो बीम ऑफ लाइट. क्या किया करता है लेज़र, वो प्रोड्यूस करता है एक नैरो बीम ऑफ लाइट को वो प्रोड्यूस करता है दैट इज़ बहुत पावरफुल एंड डेडिकेट. वो थोड़ी सी पावरफुल लाइट होती है जिसके थ्रू वो आपके आई को जो है वो क्योर करते हैं. अब ये पूरा एक प्रोसीजर है, वो कैसे वो देखें आप ज़रा. ठीक है, ठीक है, आप लोग एक चेयर पे बैठते हैं, नेक कैप आपको पहनाई जाती है. अच्छा, ये नॉर्मल लोग नहीं, ठीक है, ये क्योरिंग जो प्रॉब्लम्स है जिनको प्रॉब्लम है ना उसके अकॉर्डिंगली, अगर लॉन्ग साइड का मसला है तो उसके अकॉर्डिंगली, फिर शॉर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल ये आई से बता रहे हैं कि किस तरह से वो क्योर करते हैं. ठीक है, सबसे पहले वो, पहले तो आप लोगों ने कैप पहनी, आप एक चेयर पे बैठे, उसके बाद वो आपकी आई को जो है वो क्लीन करेंगे. ठीक है, ये देखें बिल्कुल साइड से जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको क्लीन करेंगे हम लोग. ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्लिंकिंग करते रहते हैं ना, तो अगर हम ब्लिंकिंग करेंगे तो उसमें लेज़र की जो प्रोसीजर है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा. तो पहले तो उन्होंने आई को क्लीन कर दिया, और उसके बाद ये ड्रॉप्स के थ्रू इन्होंने आई के अंदर एक लिक्विड डाला. एक तो ये होगा कि अब हमें पेन नहीं होगा, हमें जो आई की लेज़र टाइम सर्जरी के टाइम पे हमें पेन नहीं होगा. दूसरा, ये जब हम हमारी आई में डाला जाएगा ना, तो जो हम आईज ब्लिंकिंग करते हैं ना, झपकते हैं हम पलकों को, तो वो भी हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो इससे हमारी आई जो है वो बिल्कुल इस तरह से स्टेशनरी और फिक्स हो जाएगी. ठीक है, बिल्कुल एक मेटल का डिवाइस, एक हल्का लाइट वेटेड वो हमारी आई के ऊपर रखता है ऐसे. ठीक है, ये देखिए आई को बिल्कुल ओपन कर देता है. ठीक है, आपको कहा जाएगा कि रेड लाइट के ऊपर देखें. ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी आई, आपको इसलिए कहा जाएगा कि इस रेड लाइट की तरफ देखें ताकि आपकी आई जो है वो करेक्ट पोजीशन में रहे. क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे ना आई को, तो उससे ऑपरेशन जो है वो ख़राब हो सकता है. ठीक है, ठीक है, वो फिर इसके बाद इंक मार्क्स डालता है हमारी आई के अंदर. ठीक है, सर्जरी के टाइम पर, ताकि एग्जैक्ट पोजिशन जो है वो जहाँ पर उसने लाइट डालनी है उसको पता चले. ठीक है, इसके बाद एक और मेटल प्लेस लगता है ताकि वो बिल्कुल कॉर्निया पे जो है वो फोकस कर सके. ठीक है, बिल्कुल कॉर्निया के ऊपर इसको रख दिया जाता है.
ठीक है। और इस टाइम पे आप बिल्कुल ब्लैक, अंधेरा अंधेरा सा भी आपकी आंखों के जो है वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा देखिए वो नॉर्मल भी है, क्योंकि हम ऐसे ही डरे होते हैं कि हमारी लेज़र आई सर्जरी होने वाली है एंड उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम लोग होते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद कट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप सेक्शन रिंग के ऊपर ये प्लेट रखी जाएगी एंड कटिंग होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर रख के काट दिया है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाऊँ, ये देखिए ये इसकी नीचे एक स्लाइड बनी हुई है, उसको पता है कि उसने कितना काटना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए आपको ये वाइट नज़र आ रहा है ना, मीन्स यहाँ तक कट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद ये ऊपर से जो है वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। आपको अभी भी नज़र आएगा लेकिन थोड़ा सा हेजी नज़र आएगा, ठीक है। ब्लड मींस, ठीक है, आप ये देखिए रेड लाइट को फोकस किए। अब जब कॉर्निया बिल्कुल राइट शेप पे हो गया, क्योंकि कॉर्निया में मसला है ना, ठीक है, दैट्स वाई कॉर्निया को क्योर कर दिया जाता है, क्योंकि वो लाइट को फोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसको जब क्योर कर लिया जाएगा, उसकी पोजीशन ठीक कर ली जाएगी, आप देखें। ठीक है, वो हटा दिया जाएगा। अब आपको कहा जाएगा कि आप ब्लिंकिंग करें। Now you are okay, ठीक है। अब इसके बाद आप, ये होता है कि आप घर तक जो है वो खुद नहीं जा सकते, आप को जो है वो ड्राइव एकदम से आप नहीं कर सकते, लाइक इतना बर्डन वाला काम आप नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज आप लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी जो आईज़ का जो क्योरिंग है वो हो चुकी है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग ज़रा रीडिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीडिंग करते हैं बुक पेज 19 and 20 की। ओके, आई साइट प्रॉब्लम्स, पेज 19। सबने आई होप निकाल लिया। इसका ऊपर वाला पैराग्राफ जो है वो मैंने क्रॉप कर दिया, क्योंकि वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उसकी नीड नहीं थी, ठीक है। आई साइट प्रॉब्लम्स, सम पीपल कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन वेरी नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वो दूर की चीज़ें देख सकते हैं मगर वो करीब की चीज़ नहीं देख सकते। दे आर सेट टू बी लॉन्ग साइडेड, उनको लॉन्ग साइडेड पीपल कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताई कि जो लाइट है वो बिहाइंड द रेटिना जो है वो इमेज बनाती है, ठीक है। अदर कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दे आर सेट टू बी शॉर्ट साइडेड। क्योरिंग लॉन्ग साइडेड, ठीक है। लॉन्ग साइडेड, लॉन्ग साइड इज कॉज बाय द आई बॉल इज बींग टू शॉर्ट सो दैट द इमेज फोकस आर इन फोकस बिहाइंड द रेटिना। जो लाइट है, ठीक है, वो इमेज को फोकस करता है बिहाइंड द रेटिना पर, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन ओल्डर पीपल, बूढ़े लोगों में ये इट इज़ क्वाइट कॉमन एज द पीपल गेट ओल्डर, ठीक है। द लेंस लूजेज सम इलास्टिसिटी, ठीक है। वो लेंस आपको मैंने पढ़ाया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि सीलरी मसल्स की मदद से वो अटैच्ड हैं, ठीक है। सो वो सीलरी मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं सो दैट द लेंस कैन नॉट बी पुल्ड थिन, ठीक है। हम लोग उसको पतला जो है वो पुल नहीं कर सकते, ठीक है। लॉन्ग साइड पीपल कैन बी हेल्प विद द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ईच आई, दीज लेंसेज हेल्प टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। ये जो कन्वेक्स लेंस अगर हम रखते हैं तो वो क्या करता है, वो फोकस करता है लाइट को ऑन द रेटिना पर। याद रखें, लॉन्ग साइडेड पीपल्स की नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, दूर की ठीक होती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो फोकस करती है इमेज को बिहाइंड द रेटिना। अब आते हैं पेज नंबर 20 पर। ओके,
क्योरिंग शॉर्ट साइट। अब शॉर्ट साइट में आपको मैंने बताया नज़दीक की ठीक है, दूर की नज़र जो है वो ठीक नहीं है, और जो इमेज है वो बिल्कुल आगे रेटिना के ऊपर भी नहीं बनता, बिल्कुल रेटिना के आगे जो है वो इमेज बनता है। शॉर्ट साइट अकर्स व्हेन द आई बॉल इज टू लॉन्ग एंड द इमेजेस आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, रेटिना के फ्रंट पर इमेज बनता है। शॉर्ट साइट इट कैन बी हेल्प इफ दे वेयर स्पेक्टेकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट आर अ कनकेव लेंसेज। ठीक है, वो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, वो कनकेव लेंस जो है वो यूज़ करेंगे। क्लियर टू ऑल? ओके, कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज, अब मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जिनको स्पेक्टेकल्स पहनने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, वो नहीं पहनना चाहते, तो दे कैन यूज़ अ कॉन्टैक्ट लेंस फॉर दैट पर्पस। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर स्मॉल थिन ट्रांसपेरेंट डिस्क दैट फिट्स नकली ओवर द कॉर्निया ऑफ द आई। कॉर्निया की ऑफ द आई के ऊपर हम लोग जो है वो रखते हैं इसको। मॉडर्न वंस आर मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट जेली लाइक इलास्टिक। ठीक है, अब आजकल जो है वो आप उसको हाथ लगाएं तो वो बिल्कुल जेली की तरह इलास्टिक या प्लास्टिक टाइप जो है वो लेंस होता है। द पर्पज ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस इज द सेम एज दैट ऑफ द स्पेक्टेकल्स। ठीक है, इनका भी वही काम है जो हम लोग ग्लासेस का काम है, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई साइट, जो आई का मसला है उसको ठीक करना। ठीक है, लेकिन ये टेम्प्रेरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आई ग्लासेस जो है वो आप यूज़ करें, आप आई ग्लासेस हटा देंगे तो आपका आपको फिर भी जो है वो नज़दीक जो लाइट है वो फोकस नहीं करेगा। ठीक है, जिन लोग ये टेम्प्रेरी है, आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग ग्लासेस यूज़ करोगे तो आपको इमेज ठीक नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप ग्लासेस हटा दोगे आपको इमेज फिर ब्लर्ड या ठीक नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज़ पीपल यूज़ द जो है वो परमानेंटली ख़त्म करने के लिए लेज़र आई सर्जरी की जाती है। या कुछ बच्चे होते हैं जिनको समटाइम्स उनका आई साइट जो है वो प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स उनको कहते हैं आप मुसलसल पहने रखें ताकि आपका ये आई साइट का मसला और बढ़े ना और वो कम हो जाए। ठीक है, लेकिन परमानेंटली ये ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है, सो द पर्पज ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज इज दैट ऑफ द सेम ऑफ द स्पेक्टेकल्स, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई साइट, जो हमारे आई साइट के अंदर जो मसला है उसको ठीक किया जाता है। Many people find wearing spectacle is uncomfortable or difficult. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत difficult है या uncomfortable वो feel करते हैं, वो relax feel नहीं करते, especially when playing sports or during other activities, या अगर वो game खेल रहे हों या other activities करें तो, अगर for example आप cricket खेल रहे हो और आई ball आपकी आई को hit करता है, वो glasses का जो glass है वो आपकी आई के अंदर चला जाए तो it's dangerous, so that time people use the lens. ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर लाइट वेट। ठीक है, थोड़े से लाइट होते हैं और वर्चुअली इनविजिबल होते हैं। हमें आप पहन लें तो लोगों को फील नहीं होगा कि आप लोगों ने कुछ लगाया हुआ है, अगर वो आपके अपने आई कलर से मैच करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और कलर के, देन थोड़ा सा लोगों को पता चल जाएगा दैट दे आर वेयरिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज। ठीक है, दे आर गिव अ वाइड फील ऑफ व्यू एज दे डू नॉट स्टीम अप एंड इन वेट वेदर। ठीक है, तो जो हम लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं ना, स्पेक्टेकल्स फॉर आई साइट, तो देखिए उनके ऊपर स्टीम धुआं भी लग जाते हैं, वो समटाइम डस्टी भी हो जाती है, गंदे भी हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनके साथ इस तरह का कोई मसला नहीं होता। लेज़र आई सर्जरी। A laser produces a very narrow beam of light that is both powerful and delicate. ठीक है, powerful light को produce किया जाता है, it is controlled very accurately, इसको बहुत ध्यान से control किया जाता है। ठीक है, और expert doctors ही ये कर सकते हैं। ठीक है, surgeons can use a laser beam to make the shape of the surface of the cornea change slightly. ठीक है, the cornea then focus images accurately on the retina of the eye. ठीक है, retina of the eye पे image को focus करता है, ठीक है, light को। ठीक है, अ लेज़र आई सर्जरी इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू वेयर ईदर स्पेक्टेकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज। एक दफ़ा अगर वो सर्जरी करवा देता है, उसके बाद उसको ना ग्लासेस पहनने की ज़रूरत है और ना लेंसेज पहनने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं रिटन वर्क की तरफ। ठीक है, कॉपी निकालें आप लोग और उसके बाद न्यू पेज रेडी कर लें। ठीक है, टाइटल पेज पहले रेडी करेंगे, हेडिंग दीजिए बायोलॉजी की, सबसे पहले आज की डेट लिख लें 19/1/20, डे लिख लें ट्यूसडे, मार्कर से हेडिंग दीजिए बायोलॉजी और इसको अंडरलाइन कर लें, एंड देन चैप्टर टू की हेडिंग CHAPTER 2 चैप्टर टू। फिर एक, अच्छा, इन सब के दरमियान में प्लान गैप देती जाएंगे क्योंकि मेरे पास प्लेन पेज है ना, तो मैंने नहीं दिया लेकिन आप लोगों ने दे रहा है। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर टू, सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स की हेडिंग दे दें, अंडरलाइन कर लें इसको, देन क्वेश्चन आंसर्स द वे आई हैव डन इसी तरह से ही करें। ठीक है, सिर्फ आप ये मत डालें। ठीक है, Q/
ANSWERS और बहुत नीट वर्क होना चाहिए आपका. देन ऑब्जेक्टिव्स एंड देन डायग्राम्स दे दिया. ओके, आप उसके बाद न्यू पेज रेडी करें, बिल्कुल न्यू पेज. उसके पर डेट लिखें और डे भी लिखें, डेट और डे दोनों लिखें. और दोबारा से हैडिंग दीजिए चैप्टर टू क्वेश्चन आंसर्स, दोनों हैडिंग्स दोबारा दीजिए आप लोग. वहाँ पर तो हम लोगों ने टाइटल पेज दिया ना, लेकिन अब इधर हम लोग चैप्टर टू और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ताकि हमें पता चले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का अभी टास्क कंप्लीट नहीं है या ऑनलाइन क्लासेस का, ताकि वो मैंने पता चलता जाए कि ये चैप्टर टू का ही वर्क है. ठीक है, हमारा क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस विद देयर सेंस ऑर्गन्स. नेम NAME नेम द डिफरेंट DIFFERENT different types 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 of senses 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 with their sense organs. क्वेश्चन और हेडिंग सबको अंडरलाइन कर लें. अच्छा आप लोग, आपको पता है ना कि सेंसेस कौन से हैं और सेंस ऑर्गन्स हमारे कितने हैं. फाइव सेंसेस हैं, दैट इज अ साइट, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग एंड टच. और हमारे फाइव ऑर्गन्स दैट इज अ स्किन, आइज, नोज, टंग एंड जो है वो आइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क. ठीक है, तो आंसर लिखिए, एक लाइन का गैप दीजिए एंड स्टार्ट करें ANS लिखे साइड पे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ different 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 types of senses with their sense organs are as following. लिख लिया, then दरमियान में बिल्कुल लाइन लगाएं आप लोग. ठीक है, सेंटर में बिल्कुल इसी तरह डबल लाइन लगाएं जैसे मैंने लगाई है. ठीक है, अब एक साइड पे हेडिंग दीजिए सेंसेस की. अच्छा यहाँ पर तो लाइन गैप नहीं है, लेकिन आप लोग लाइन गैप देंगे. ठीक है, पॉइंट्स के बीच में हम लाइन गैप जो है वो देते हैं. सेंसेस में फर्स्ट इज टच, फर्स्ट वर्ड को मार्कर से लिख लें, फर्स्ट इज टच. फिर एक लाइन गैप दें, टेस्ट, टू टेस्ट, थर्ड स्मेल, फोर्थ साइट, फिफ्थ हेयरिंग, जैसे मैंने लिखा. और एक एक लाइन गैप के साथ आप लोग लिखते जाएं. ठीक है, अब इसके बाद इस साइड पर हेडिंग दीजिए सेंस ऑर्गन्स की. अब टच के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, स्किन, तो इसके आगे लिखे स्किन. टेस्ट के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, टंग, तो लिखे टंग. स्मेल, नोज, साइट, आई, हेयरिंग, एयर. ठीक है, सो ये बहुत इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं ये. ठीक है, इवन ये आप लोग 1-2 में भी ये क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं. दिस इज सो इजी. एंडिंग लाइन लगा लें. अच्छा इस साइड पे आप लोग सीरियल नंबर और सेक्शन लिख लेंगे ताकि आप अपनी कंसर्न चेकर को जब भेजें तो वो उनको डिफ़िकल्टी ना हो चेक करते हुए. ठीक है, अच्छा आज का होमवर्क देख लें. आप लोगों ने सबसे पहले सिक्स साइंस में आप लोगों ने प्रिपेयर करना है टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर टू. यहाँ पर जैसे मैंने ये टाइटल पेज रेडी किया है ऐसे, अगर आपसे मिसिंग हो गया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में अगर लिखना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, उसके बाद आते हैं टू द क्वेश्चन नंबर वन. इन योर कॉपी द नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस विद देयर सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपी में करना है. एंडिंग लाइन लगाकर आप लोगों ने जो है वो सबमिट करवा देना अपने टीचर को. ठीक है, अच्छा जो वो स्टूडेंट जिनकी कॉपीज़ अभी आज उन्होंने स्कूल भिजवाई हैं, ठीक है, आज भिजवाई हैं स्कूल, तो वो कल आकर अपनी कॉपीज़ ले सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज़ आपकी कॉपीज़ जो है वो जिस दिन आप लेकर सबमिट करवाते हो दूसरे दिन आप कॉपीज़ ले सकते हो. ठीक है, फिलहाल आप रफ कॉपी में अपने पास ये काम नोट करना चाहते हो सो यू कैन. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपनी कॉपी ले आए हैं देन यू आपने ये काम कॉपी में करना है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच बॉयज़ फॉर लिसनिंग टू मी एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क. अल्लाह हाफिज़ बॉयज़.